हाय गाइस, वेलकम टू टेकलोन। गाइस, ये है ओप्पो रेनो 8T 5G। ये जो स्मार्टफोन है ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी हैं एंड काफी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा बुरी है। मैं इस वीडियो में सब बताऊंगा, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल का मोटो है आपको बिल्कुल ऑनेस्ट एंड क्वालिटी टेक वीडियोस देना। सबसे पहले इसके डिजाइन को देखो, बैक साइड में कुछ इस तरीके का डिजाइन आपको देखने को मिलता है एंड ये पर्सनली आपकी चॉइस है कि ये डिजाइन आपको कैसा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये डिजाइन पसंद आएगा एंड शायद हो सकता है कुछ लोगों को पसंद भी ना आए। बट यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट बैक है, ये 30,000 का स्मार्टफोन है तो यहाँ पर ग्लास पैनल दिया जा सकता था एंड फ्रंट में यहाँ पर पंच होल और एक कर्व डिस्प्ले आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से फ्रंट से काफी ब्यूटीफुल लगता है। एंड यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसकी वजह से कलर्स काफी शार्प एंड ब्राइट रहते हैं एंड मल्टीमीडिया जब आप कंज्यूम करते हो तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है। और यहाँ पर 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट है, जिसकी वजह से जो डिस्प्ले है काफी स्मूथ एंड फास्ट भी फील होती है। बट यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस है वो है 950 nits की, इसकी वजह से आउटडोर कंडीशन में जब आप फोन को यूज करोगे तो कम ब्राइट फील होती है इसकी डिस्प्ले, तो ये नंबर थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था। एंड साथ में यहाँ पर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है वो काफी अच्छे से काम करता है, बट अगर आपके थंब पे जरा सा भी स्वेट या फिर जरा सा पानी लगा हुआ है तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस फोन के अंदर मेरे को लगी ना, वो है इसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड। यहाँ पर जो चिपसेट मिलता है वो है स्नैपड्रैगन 695। गाइज, ये जो चिपसेट है ये 15,000 से 16,000 के स्मार्टफोन में मिलता है और इस स्मार्टफोन का प्राइस है 30,000। एंड यहाँ पर स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलता है, जो कि आराम से UFS 3.0 या फिर 3.1 हो सकता था। बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि अगर इस स्मार्टफोन के अंदर एक एवरेज चिपसेट भी है तो क्या ही फर्क पड़ता है, सबको तो एक हाई एंड परफॉर्मेंस नहीं चाहिए होती। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन एक टेक यूट्यूबर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ तो इस प्रोडक्ट को पहले इसके कॉम्पिटिटर से अच्छे से कंपेयर करूं और उसके बाद आपको बताऊं कि ये प्रोडक्ट कहां पर स्टैंड करता है, ताकि आप लोग ये डिसीजन अच्छे से ले पाओ कि वो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी में आता है या फिर नहीं। अभी यहां पर 4800mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा नंबर है, और 67W की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो यहां पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक और डिपार्टमेंट जहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो है इसका कैमरा। सबसे पहली बात, यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस ही नहीं दिया, उसे हटाकर माइक्रोस्कोप लेंस दिया है जो 40x तक जूम कर सकता है और काफी अच्छी फोटोज लेता है। लेकिन आप ही बताओ, क्या आपकी डेली लाइफ में माइक्रोस्कोप लेंस ज्यादा काम आता है या फिर अल्ट्रा वाइड? क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए थोड़े थोड़े गिमिक्स करती रहती है टाइम टू टाइम, जैसे कि इसमें माइक्रोस्कोप लेंस दे दिया। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे कि जो इस माइक्रोस्कोप लेंस को ही देख के ले लेंगे। अब यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो 108MP का है, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है वीडियो रिकॉर्डिंग में। यहाँ पर आप सिर्फ मैक्सिमम 1080p तक ही शूट कर सकते हो, 4K का ऑप्शन ही नहीं है। एंड वो इसलिए क्योंकि स्नैपड्रैगन 695 जो चिपसेट है ना वो 4K को सपोर्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पर ये फोन अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा पीछे रह जाता है। तो गाइस, अगर मैं स्मार्टफोन के बारे में अपना एक क्लियर कट आंसर दूं तो ये जो स्मार्टफोन है ना वो सिर्फ डिजाइन, डिस्प्ले एंड बैटरी पर फोकस करता है। इस हिसाब से इसका जो प्राइस है वो 7,000 से 8,000 मेरे को ज्यादा लग रहा है। तो गाइस, ये थी मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फटाफट से कर लो, क्योंकि ऐसी ऑनेस्ट वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।